ज्ञान मेरा रहस्य ज्ञान जन सरा
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तरालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जन्मवापते नमः नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि राजल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदेशि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham mere paramaradhitam guru pad pad om vishnu pad ashtatra satta shishman bhakti vedanta shri sridhar goswami maharaj ke charan kamal mein anant koti dandavat gyanpan karke unki aadhi ki kripa prarthana karta hu tatpashchat समस्त रूपानव गौड़ीय गुरु परंपरा आचार्य बिंद समस्त भक्तवृंद उपस्थित समस्त भक्तवृंद सभी के चरण कमल वंदना करके तथा जी कृपा तो गुरु जी ने कुछ आदेश दिए हैं हरि कथा कहने के लिए तो गुरु जी बोले मन शिक्षा से कुछ बोलने के लिए जो मन शिक्षा है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हमारे श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक प्रमुख आचार्य सड़ गोस्वामी के अंदर एक प्रमुख आचार्य हुए हैं जिनको कहा जाता है प्रयोजन आचार्य अर्थात जिन आचार्यों के द्वारा हमारे प्रयोजन किस प्रकार हमारे प्रयोजन अर्थात किस वस्तु का हम प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रयोजन जिन आचार्य के द्वारा एकदम सुस्पष्ट रूप में दर्शित हुआ है वो है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ही सर्वश्रेष्ठ रूपानुग है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी जिस विचारधारा को उन्होंने जगत में महापुरुष के हृदय को जानकर जगत में जिस वस्तु को प्रकाशित किया उससे सर्वश्रेष्ठ जो रूपानुग कहलाता रूपानुग कौन है ना श्री रघुनाथ गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को कहने को तो उसके जो अपना स्वरूप है रघुनाथ दास गोस्वामी क्या रति मंजरी रति मंजरी है पर फिर भी जो रूपानुग परंपरा जो है जो रूप गोस्वामी के जो सर्वश्रेष्ठ फॉलोअर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है कहा जाता है तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने प्रयोजन आचार्य है बोले कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि श्रीमद महाप्रभु जी जब आते हैं तो क्या करते हैं सोपार्षद सियोधाम सहावतरी अर्थात अपने जो सोपार्षद समस्त गण निज गण को इस जगत में अपने साथ लेकर आते हैं जिस कार्य को जगत में प्रचार करना चाहते हैं तो सब सारे पार्षदों के द्वारा उसी को माध्यम बना के दूर दूर तक प्रचार कराते हैं इसलिए कीर्तन में कहा गया कि अलग गौर रस निधि कादम्बी नि जहा नहीं भाषा गौड़ देश प्रेम गोष्ठी दी अर्थात महापुरुष किस प्रकार है एलो गौर रसन दी कादम भी नहीं है श्रीमन महाप्रभु जी आए बादल के समान आए और सारा सारा गौड़ देश अर्थात समस्त जगत को प्रेम रूपी बनने में अपने अपने कहीं पर खुद गए कहीं अपने पार्षदों के द्वारा सारे स्थान में वितरण किया इस प्रकार कहा जाता है वैष्णव का जो आविर्भाव अर्थात वैष्णव जो आते हैं जो महापुरुष जो पार्षद गण आते हैं उनका प्रकट्य और एक साधारण जीव का जो इस जगत में अवतरण ये बहुत डिफरेंस होता है एक श्लोक कहा गया उसमें कहते हैं
कि जो साधारण जो कर्म फल अधीन जीव है वो कैसे आता है ना, अपने कर्म के अधीन होकर उस कर्म का जो फल है उसी के अनुसार उसका एक शरीर निर्धारित होता है, उसी के कर्म फल भोगने के लिए आता है। परंतु जो वैष्णवगण आते हैं वो क्या है ना, विष्णु अनुचरत्वम आहु की मोक्षाहु मनीषिणा, अर्थात जो वैष्णव होते हैं जो महाप्रभु के जो पार्षद वृंद होते हैं भगवत परिकर होते हैं केवल मात्र भगवत कार्य सिद्ध करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार अन्य अन्य विशेष विशेष आचार्यों के द्वारा भक्ति के द्वारा एक एक चीज स्थापित हुआ है, इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु जी ने अपने पार्षद अर्थात कृष्ण लीला में जो श्री रति मंजरी थे यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी होकर आए। कहते देह जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक है जत्था व्यवस्थित देह और एक होता है अंत देह। बद्ध जीव का देखो जो जत्था व्यवस्थित देह अर्थात जिस जिस कर्म को किया है उसी अनुसार उसका एक व्यवस्थित देह एक व्यवस्थित हो गया। कोई कुछ खराब कर्म किया उसी के अनुसार उसका कोई खराब शरीर, इसलिए जो बद्ध जीव होता है तो उसी का जो व्यवस्थित देह होता है उसका कर्म के अनुसार होता है। परंतु जो पार्षद गण होते हैं उनका जो व्यवस्थित देह अर्थात उन्होंने जो स्वरूप धारण करके इस जगत में आते हैं वो व्यवस्थित किसके द्वारा होता है ना, स्वयं ठाकुर जी के द्वारा ही होता है। ठाकुर जी उनसे उन कोई कार्य को विशेष कार्य को जिस प्रकार हम सुनते हैं श्री स्वामी महाराज जी श्री स्वामी प्रभुपाद जी जो विदेश में जाके सारा कृष्ण जो प्रचार किया सारे कृष्ण भक्ति को प्रचार किया अर्थात महाप्रभु के इच्छा था। यद्यपि अन्य अन्य आचार्य जो हुए जो महाप्रभु के अनुगत्य में परंपरा में बहुत सारे आचार्य जो हुए हैं परंतु महाप्रभु जी ने उनको ही चयन किया था कि ये वो कार्य संपादन करेंगे। इस प्रकार कहते हैं कि जो जत्था व्यवस्थित देह है अर्थात ठाकुर जी के द्वारा कृष्ण के द्वारा भगवान के द्वारा उस देह व्यवस्थित होता है अर्थात इस कार्य करने के लिए आते हैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का भी विशेषता यही है कि महाप्रभु के द्वारा वो प्रेरण होकर आए हैं एक जो जगत को प्रयोजन देने के, जो शुद्ध भक्ति शुद्ध रूप में जो ब्रज प्रेम है। इसलिए उसमें तीन नंबर श्लोक में तीन नंबर या चार नंबर मन शिक्षा जो ग्रंथ उन्होंने रचना किया उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं समस्त साधकों को ये चीज बहुत अच्छी तरह से तो उस श्लोक में कहते हैं इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्पष्ट रूप में जो प्रयोजन है उस प्रयोजन वस्तु का जो सारे बाधाएं एक एक चीज स्पष्ट रूप में साधक को बताया। देखो इसको थोड़ा सा भी हृदय में स्थान मत दो। सर्वप्रथम क्या बताया कि असद वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्वहारिणी कथा मुक्ति व्याघ्र न सुनु किला सर्वात्मगिणी अपि त्यक्ता लक्ष्मीपति रतिमितो व्यमनयनि ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदौ तुम भज मनयितः। अर्थात है मन अपने मन को अपने मन को शिक्षा देते हुए सब साधकों को बोलते हैं कि अपने मन को इसी प्रकार अनुशासन करवाओ, अपने मन को इसी प्रकार प्रेरित करवाओ। क्या है ना, असद वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वसहारिणी। सर्वप्रथम क्या करो ना, असत जो वार्ता है, वार्ता अर्थात जो संबंध है जो जो सारे चीज हमारे संस्पर्श हम करते हैं सुनते हैं वो समस्त वार्ता कहला जाता है। इसलिए कहते हैं असद वार्ता। सद वार्ता क्या है ना, कृष्ण संबंध जितने सारे वार्ता है उसको कहा जाता है सद वार्ता। असद वार्ता अर्थात कृष्ण कथा बिना जो अलग सारे जो वस्तु है ग्राम्य कथा संसारी कथा वो क्या है ना, उसको असद वार्ता कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, जब असद वार्ता करने लगते हैं, असद वार्ता को एक वेश्या के सदृश कहा गया है। जिस प्रकार वेश्या क्या करता है ना, जितने भी कोई सत्ताचरित पुरुष हो कोई सत्पुरुष हो अगर कोई वेश्या के संस्पर्श में आ जाए तो क्या होता है ना, उसका सारा एनर्जी उसका सारा जो अटेंशन है वहीं पर ही रह जाता है। जो कुछ भी करता है अपने सारा क्रिया में परंतु उसका जो मति वहीं पर ही रह जाता है। तो इसलिए बोलते हैं अपने मति को भी ऐसे करो क्या ना, असत वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वहारिणी, उसको विसृज परित्याग करो नहीं तो तुम्हारा क्या करेगा ना, मति को ही हरण कर लेगा।
ये जो मति है इसी में ही सब कुछ होता है, इसलिए बतलाया गया कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतपि लभ्यते। अर्थात हमें क्या वस्तु चाहिए, हमें वही मति चाहिए, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति चाहिए। अगर पहले से ही हम क्या करते हैं, असत वस्तु के संस्पर्श में आकर इस मति को दूषित कर देंगे तब प्रयोजन करके सिलाएंगे। पहला स्टेप बताया कि क्या है, असत वार्ता वेश्या विश्वज मति सर्वसाहरणी, इसी जो असत वार्ता रूपी जो मति है उसको त्याग करो। फिर बताया क्या, न कथा मुक्ति व्याघ्र न सुनो सर्वात्म गिरण, कि मुक्ति के कथा भी न सुनो। मुक्ति क्या करता है, न मुक्ति ऐसे चीज है उसमें अपने जो स्वरूप को, अपने जो स्वरूप को क्या करते हैं ना, तो संपूर्ण रूप में निगल जाता है। जैसे कि व्याघ्र क्या करते हैं ना, कोई भी उसके मनुष्य हो कोई भी प्राणी हो वो टोटल क्या करते हैं ना, उसको निगल जाता है। इसलिए मुक्ति कथा व्याघ्र सुनो, उसको क्या करो ना, टोटल उसको भी परित्याग करो। फिर उसके एक स्टेप गए, अभी त्यक्ता लक्ष्मीपति रतिमित व्यवहार, अच्छा ठीक है मुक्ति को भी त्याग कर दिया, लक्ष्मीपति के और हमारे थोड़ा रति है, लक्ष्मीपति था वैकुंठ पत्नी अधिपति नारायण पति, बोले नहीं नहीं उसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो, नहीं तो क्या करेगा ना, ऐश्वर्य धाम ले लेगा, आपको ऐश्वर्य में धाम ले लेगा। तो इसलिए क्या करो ना, ब्रजे राधा कृष्ण सरती मणिदो तुम भजम न, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रजे राधा कृष्ण अर्थात ब्रज में श्री राधा कृष्ण जुगल को तुम क्या करो, आराधना करो। तो इतना कहकर मैं रखता हूँ, पंचाकल पुत्र कृपा सिंधु अति कान पावन विष्णु। मैं रोज 5 बजे इंग्लिश में बोलता हूँ, आज थोड़ा गला खराब था इसलिए कथा की ये नहीं कैंसिल करती, आपका दर्शन करने आया अंग्रेजी की बोलते हैं कुछ यहाँ पर खुला है, खुला है, खुला मेला मेरे कान में लगा, अच्छा लगा। हरि बोल हरे कृष्णा। हिंदी बहुत से लोग मुक्ति पाने के लिए दिन रात बहुत तड़पते हैं। मुक्ति, जिस मुक्ति के संबंध में हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावश पिशाची हृदि वर्तते, संसार को भोगने की इच्छा भुक्ति और मुक्ति ये दोनों को किससे तुलना की गई, बोलते पिशाचनी, पिशाचनी, पिशाचनी समझ रहे हैं, प्रेत जो एक बार पकड़ ले छोड़ती नहीं। लेकिन प्रेत कब पकड़ता है, जब हम लोग, कभी पकड़ा प्रेत, जब कभी पकड़ेगा तो देखना, प्रेत जब पकड़ता है तो अपवित्र अवस्था में आकर प्रेत पकड़ता, ऐसे नहीं पकड़ता, किसी की अपवित्र अवस्था हो और ऐसे बिना मुंह धोए खाकर सो जाए, पैर गंदे हो ऐसे सो जाए, या फिर जो माताएं हैं, एक हमारे भक्त हैं चंडीगढ़ में, उसकी पत्नी को भूत ने पकड़ लिया, दोनों घूमने गए थे और उसके केश खुले थे, इसलिए केश खुले नहीं होने चाहिए, थोड़ा ना उसका बंद होना चाहिए, केश खुले नहीं होने चाहिए। ये हमारी कहते ये जिस समय क्या दीप्ति ना दीप्ति आदिति दीप्ति जब उसका जिस बच्चे गर्भ में था ना, इसलिए इंद्र सुजल ढूंढ रहा था कब समय मिले इस गर्भ में जो बच्चे को हम मार डाले, अदिति थी ना, मारुत को मारुत बनाया 49 39, इसलिए कब हमें सुजोग मिले, सुजोग मिलने पर हम उसको बच्चों को मार डालेंगे, लेकिन सुजोग कैसे मिलेगा अगर कभी वो अपवित्र रहे, लेकिन पहले जो माताएं होती है ना बड़े पवित्रता धारण कर, बड़े पवित्र धारण करते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसने केस को खोल कर सो गए, केस को खोल कर सो गए, जो सो गई इतना ही उनको बस सुजोग मिल गया, उसका पेट में गए जो बच्चा था ना, उसको टुकड़े 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 पेट में बच्चे को कर दिया, टुकड़े टुकड़े उन्होंने पेट में बच्चे को कर दिया,
उसको बस वो 49 टुकड़े किए, 49 मर्द गण बने। इसलिए पहले कोई भी माता है केस को नहीं खुला रहती, नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हो गया इसलिए फैसला हो गया सबके सब केस को खोल देती है, लेकिन पहले कोई माता है केस नहीं खोलती। अगर अगर खुला भी रहे लेकिन कहीं बीच में एक दो नॉट होना चाहिए, ये कंडीशन ठीक है। तो क्या हुआ, वो माता वहां पर गई, केश खुले थे और केश खुले थे तो भूत उसमें जल गया, अपवित्र अवस्था में सो गए। ऐसे केश के द्वारा कितना प्रयास किया, यज्ञ किया, सब कुछ किया, भूत जाए ना, बहुत कुछ प्रयास किया। फिर एक हमारे महाराज आए विद्यालय वाले महाराज, वो गए, ऐसा कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा, भूत को जैसे तैसे निकाला उसके अंदर से, नहीं तो वो तो पागलों की तरह बोल रही है, झगड़ा कर रही है, घर में कूद रही है, हाँ। और वो लोग भूत बता कर गया तुम्हारे केश खुले थे इसलिए मैं वहां से प्रवेश किया। तो अपवित्र अवस्था में विशेष करके सोते समय या कभी भी कुछ खाना प्रसाद कुछ पाया तो मुंह अवश्य धोना चाहिए, हाथ जरूर धोना चाहिए और सोते समय पैरों को जरूर धोना चाहिए, ऐसे नहीं। ये तो पूरा 64 भक्ति के अंग भक्ति साम सिंधु में, और वहां पर कुछ निषेध बातें भी बतलाई हैं कि पैरों को धोकर और पहुंच कर फिर सोना चाहिए, ऐसे नहीं। तो इसलिए अपवित्र अवस्था में भूत पकड़ता है, तो भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा ये भी अपवित्र है, तो ये भूत नहीं पकड़ती है, तो जिसको पकड़ती है उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। मुक्ति भूत ने नहीं बताया, पिशाच ने नहीं बताया, उसकी जो स्पृहा है, उसकी जो इच्छा है, वे प्रेत के समान है, जो एक बार पकड़ ले फिर उसको छोड़ने की इच्छा ना हो। इसलिए जितने लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्मानंद को आस्वाद करने के लिए प्रयास करते हैं, संसार में आनंद होता है ना, उस दिन महाराज जी ने आइसक्रीम खिलाई, आइसक्रीम खाने में भी आनंद है, कीर्तन में वो भी आनंद होता है ना, कितने प्रकार के आनंद है। लेकिन एक ब्रह्मानंद है, जो व्यक्ति ब्रह्म के, भगवान का जो तेज है, उस तेज के अंदर जो लीन होना चाहते हैं, उसमें भगवान क्या है, आनंद स्वरूप है, आनंद अभ्यासत कहा गया, भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, उनका जो तेज निकलता है वह भी आनंदमय है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, वैसी जो स्पृहा रखते हैं, उस आनंद में ही प्रवेश करके आनंद बनना चाहते हैं, समझो बात को, आनंद में प्रवेश करके आनंद बनना चाहते हैं, तो उस आनंद में प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन आनंद का स्वाद नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते, मैं कहीं भागवत होती है ना, एक उदाहरण देता हूँ, साधारण व्यक्ति समझ जाए। एक माता गर्भवती है, 9-10 महीने तक गर्भ को धारण करती है ना, लेकिन गर्भवती अवस्था में कितनी उसकी तीव्र लालसा होती है, कितनी इच्छा होती है, बच्चा जल्दी जन्म ले। क्यों, बच्चा जब जन्म लेगा उसको स्नान कराऊंगी, उसको सजाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, उसके साथ सोऊंगी, कितने उसके साथ लाड लड़ाऊंगी, कितनी उसकी इच्छा होती है। अब बच्चा जन्म ले लिया, माता की जितनी भी इच्छा थी सारी पूरी हो गई, उसको खिलाना पिलाना खेलना, ठीक है, आनंद का आस्वादन हुआ ना। लेकिन यदि वो बच्चा कहे, माँ मैं तो बड़े आनंद में हूँ, तू तो मेरे को इतना सुख और आनंद दे रही है, मैं तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊं, तेरे अंदर घुस जाऊं, माँ क्या बोलेगी, अरे पागल, आनंद का स्वाद करने के लिए तेरे को बाहर निकाला गर्भ से, समझे। माँ का जो वात्सल्य है, जो वो प्रेम है, उसमें आनंद है ना, वो बच्चा उस आनंद के अंदर मिलना चाहता है। जब आनंद के अंदर मिल ही जाएगा तो फिर किसके साथ खाएगी, किसके साथ सोएगी, किसको खिलाएगी, तो पागल, आनंद का स्वाद करने के लिए तेरे को तो जल्दी जन्म दिया है और तू फिर मेरे अंदर प्रवेश करके क्या आनंद और क्या सुख को भोग करेगा। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, एक से नहीं होता। स्वयं श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है,
फिर भी अपनी हलाती शक्ति राधा जी को प्रकट करते हैं, साक्षात आनंद स्वरूप है, आत्म राम आत्म काम है, परंतु लीला विनोद करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए दो की आवश्यकता पड़ती है। राधा जी श्री कृष्ण की अपनी हलादनी शक्ति है, उनके साथ जितने प्रकार की लीला करके, बल्कि उनके कितने प्रकार के नाना प्रकार की भंगिमाओं को सुनकर, उनके वचन कटु वचन को सुनकर भी, कड़वे वचन को सुनकर भी कृष्ण को बड़ा सुख मिलता है। कहते हैं प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसन, वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। वेदों की स्तुति सुनते 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 मेरे कान पक गए, रोज एक ही बात बोलते हैं। लेकिन राधा जी और गोपियां यदि उनको नाना प्रकार के डांट लगाती हैं, कड़वे वचन बोलती हैं, इनको बड़ा सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? चंद्रावली जी के कुंज में कृष्ण पहुंच गए। चंद्रावली बहुत सुंदर कुंज बनाकर बैठी, कृष्ण पहुंच गए और जाते पूछने लगे, राधे कैसी हो? चंद्रावली ने कहा, कंस महाराज मैं ठीक हूँ। बोले, मैं कंस कहाँ से हो गया? बोले, तो मैं भी राधा कहाँ से हो गई? एकदम ऐसे आवाज, ऐसे शब्द सुनकर, और राधा जी यदि भर्सन करती हैं, लंपट है, ये सुनकर उनको बड़ा आनंद और सुख मिलता है। इसलिए आनंद भक्ति में ही आनंद है, मुक्ति में आनंद नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी ने बतलाया, ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्रार्थी दुनी उदीकृता नैति भक्ति सुखामोदो प्रमाण तुलनापि। बोलते ब्रह्म के अंदर लीन होने पर जो आनंद और सुख मिलता है, उसको यदि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक उसको मल्टीप्लाई कर दो। ब्रह्मा जी की जीवन कितना है जानते हैं? 100 वर्ष का जीवन। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की, परंतु ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 4 युग सुना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जब 71 बार 71 टाइम्स जब बीतते हैं, तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे मतलब दिन होता है, और उतनी बड़ी उनकी रात होती है। सोचो कितनी बड़ी आयु है, कितनी बड़ी आयु है। बोलते ऐसे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु के, 50 वर्ष हमारे 50 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के, इतना ब्रह्मानंद का जो सुख है वो भक्ति के सामने क्या है? परमाणु तुलना की, एक किटान, एक परमाणु समझते हैं, एटम, एक एटम जितना बस। क्योंकि भक्ति में परम सुख है, क्योंकि उसमें सेवा है। एक और उदाहरण हमारे कुछ आचार्य बतलाते हैं, जब हम रात को सोते हैं, गहरी नींद में पड़े हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, आप सब लोग सोते हो, कल बस से आए थे सब लोग, 12-13 घंटे की यात्रा हुई, रात को नींद अच्छी आई ना? आई ना? सब लोग बोल रहे हम तो भैया कोमा में चले गए ना। जब सुबह जागे तब लगा, ओ नींद में कितना आनंद है, कितना अच्छा लगा, रात को मैं बहुत अच्छे से सोया सोई है कि नहीं? लेकिन जिस समय सो रहे थे उस समय क्या सुख का आनंद हो रहा था? यहीं से उदाहरण से समझ जाओ, जब हम जागे तब सुख का अनुभव हुआ, जिस समय हम नींद में सोए पड़े थे उस समय सुख का आनंद नहीं हो रहा था। इसलिए मुक्ति और सुषुप्ति वही अवस्था है। सुख के अंदर सुखी हो जाने से सुख नहीं मिलता, परंतु जब दो वस्तु होंगी, एक स्वामी और एक सेवक, उस स्वामी की सेवा करने में परम आनंद परम सुख मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको भक्ति करने की शिक्षा दी है। भुक्ति मुक्ति दूरे परिहर, उठाकर ऐसी फेंक दो इसकी स्प्रिहा को, पिशाचनी है ये। और तो और, जब महापुरुष परम संत सब समय भगवान की सेवा करते हैं और सारे संसार को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जानते हैं मुक्ति भी हाथ जोड़कर चली आती है। बोलते हैं मुक्ति स्वयं मुकृतांजलि, हाथ जोड़कर
खड़ी रहती है कि मुझको भी अपनी सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि मैं नहीं लग सकती, आपके माध्यम से ही वो सेवा होगी। और शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं पद्यावली में रूप गोस्वामी जी ने कहा, दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो, मेरे निकट भी मत आना। बोलते आपके निकट क्यों नहीं आना, बोलते तुम्हारी गंध मात्र से ही मुझको भगवान का विस्मरण होता है, उनको मैं भूल जाता हूँ, निकट भी मत आना, ये भोग की इच्छा है। इसमें हमारे आचार्यों ने भागवत जी में इतने श्लोक जहाँ पर मुक्ति को निरस्त किया है। गुरु जी की वंदना करते हैं कौन सा श्लोक बोलते हैं कथा करने से पहले, क्या करते हैं दीदी बोलो, बोले बोलो, अज्ञान अर्थ तक ये लो, अर्थ बुझे ना अज्ञान तिमिरंदस से ज्ञानंजन छलाकया, गुरु जी मैं अंधकार में पड़ा हूँ इस संसार में, आपने एक दीपक जलाकर, कौन सा, ज्ञान का दीपक जलाकर मेरे अंधकार को आपने दूर किया। ये अज्ञान क्या है जो गुरुदेव दूर करते हैं, बोलते हैं अज्ञान तीनेर नामेर कहे कैतव, भुक्ति मुक्ति वांछा ऐ सब दार मध्ये, मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जा होइले कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। अज्ञान क्या, अज्ञान तिमिर नाम कहे कैतव, ये है कैतव को क्या बोलेंगे, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, छलना कपट, छल और कपट, क्या छल कपट, भुक्ति मुक्ति वांछा, संसार को भोगने की, ये संसार को भोगने की और परलोक को भोगने की इच्छा और मुक्ति की भी इच्छा, ये है अज्ञान। और इन दोनों में भी फिर मुक्ति की जो इच्छा है वो प्रधान छल है, प्रधान कपट है। गुरुजी अपने ज्ञान के द्वारा उस कपट को, उस छल को, धर्म को दूर करते हैं। कौन से ज्ञान के द्वारा, गुरुजी हमको पहले ही हरि नाम दीक्षा के देते समय एक बात बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जीवे सर्प है कृष्णेर नित्य दास, तुम लोग सब कौन हो, भगवान के दास हो और दासी हो, भगवान नहीं हो, इसलिए पकड़ो माला और भगवान का नाम करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, और धीरे धीरे साधन भक्ति करते हुए भाव भक्ति को प्राप्त होंगे, और भाव भक्ति को प्राप्त करते हुए प्रेम भक्ति को प्राप्त जब होंगे भगवान की सेवा करके, अरे स्वयं भी आस्वादन करो, सबको कराओ, मैं भी रसगुल्ला खाऊं और सबको बांटू, और मैं अगर रसगुल्ला के अंदर चाशनी बन जाऊं, रसगुल्ले के अंदर जो उसकी मिठास है, रसगुल्ले अंदर के अंदर में अगर प्रवेश कर गया तो रसगुल्ला मैं खा सकता हूँ, मैं तो स्वयं ही रसगुल्ला बन गया, इसलिए स्वयं रसगुल्ला बनने में आनंद नहीं, रसगुल्ला खाने में और खिलाने में, महाराज तो एक खाए लेकिन सबको दस दस खिलाए, सुख मिला ना। तो इस प्रकार मुक्ति में वो सुख नहीं, कथा मुक्ति व्याघ्र ना सुनू, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं मुक्ति की बात भी मत सुनो, ये श्रवण मात्र से ही, जैसे शुद्ध भक्त कहते हैं ना दूर तिष्ठान, आपकी गंध मात्र भी मुझको भगवान का विस्मरण कराती है, भुला देती है, इसलिए भक्त कभी भी ये इसको नहीं चाहता। भागवत जी में जितने भी प्रसंग हैं उन भक्तों की जो स्तुति है उसमें दो तीन वस्तु कॉमन है, एक तो ये कि समस्त भक्तों ने भक्त संघ की ही प्रार्थना की है, और दूसरी बात कि सबने मुक्ति को तिरस्कृत किया है। हम भक्त संग तो करेंगे लेकिन साथ साथ मुक्ति की इच्छा रखेंगे काम नहीं चलेगा, एक को हटाना पड़ेगा, या तो भक्त संग हटा दो या फिर मुक्ति की इच्छा हटा दो, जो मुक्ति की इच्छा करता है वो भक्त संग नहीं करता, और हम लोग भक्त संग करते हैं इसलिए हम मुक्ति की इच्छा नहीं करते, भगवान के देने पर भी स्वीकार नहीं करते, यदि मान न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जरा, भगवान देना चाहते हैं, अरे बेटा बहुत सेवा करता है, जा मेरी मुक्ति ले लो, सलोक के ले लो, शास्त्री ले लो, समीप पे ले लो, स्वरूप पे ले लो, भक्त हाथ जोड़कर कहते हैं दिए मान न ग्रहणन्ति, हमको नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, बोलते अपनी सेवा दे दो, वो तो तू कर ही रहा है, कर तो रहा हूं, तृप्ति नहीं होती,
तृप्ति नहीं होती। जो भक्त हरि नाम करके गुरु जी की सेवा करके और भगवान की सेवा करके तृप्त हो जाए, इसका मतलब वो साधक ही नहीं है। ये हमारा मार्ग तृप्ति का मार्ग नहीं है, हमारा भजन का मार्ग अतृप्त मार्ग है। यहाँ पर तृप्त नहीं, कोई भी तृप्त नहीं यहाँ पर। हनुमान जी से पूछो आप तृप्त हो, बोलते नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। नारायण जी से पूछो दिन रात नाम करते हो संतुष्ट हो गए, शांति मिल गई, बोलते कहाँ, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये शांति तृप्ति का मार्ग नहीं, ये परम शांति और अतृप्ति का मार्ग है। इसलिए यदि कोई अतृप्त होना चाहता है तो स्वागत है, आओ। और जो तृप्त होना चाहता है जाओ फिर मुक्ति के पास जाओ, वो लोग शांत है, मुक्त है। और जो संसार के लोग हैं वो भी शांत है, उसको उनको उन्हीं में सुख मिलता है, उसी में शांति है। लेकिन भक्ति में अतृप्ति रहती है, कुछ हो ही नहीं रहा, और करूं और करूं। अरे एक महीने कार्तिक क्यों, तीन महीना क्यों नहीं तीन महीना कार्तिक रोज देखो उत्सव हो रहा है, हरि कथा कीर्तन संकीर्तन धाम दर्शन, कितना सुबह से रात तक हरि कथा हो रही है। मन करता है चलता जाए सारा वर्ष ही चलता जाए गौर पूर्णिमा तक। देखो हम लोग एक महीना करते हैं, लेकिन करते करते कितने भक्त लोग ऐसे हैं जो परस्पर सारा जीवन ही इस प्रकार से हरि कथा में, नाम में, परिक्रमा में, धाम दर्शन में सारा जीवन ऐसा निकालते हैं। क्यों? कुछ आनंद और कुछ रस मिलता है ना, यही सुख है, यही आनंद है। हरि बोल, हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन, जय जामुन तिरवन दारी जय कुंज बिहारी, जय जामुन तिरवन जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल Nitai Gaur Hari Bol, 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 Hari हम लोग भागवत का एक श्लोक सुनेंगे। वो श्लोक है, अगर कोई भक्ति मार्गों को अवलंबन करता है, अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग ज्ञान मार्ग है। जैसे कोई पहाड़ को खोद दिए, लेकिन खोदने के बाद अगर चूहा निकला, पूरा पहाड़ खोद दिए लेकिन खोद करके निकला क्या, चूहा निकले। उसी तरह जो ज्ञान मार्ग है वो इतना साधारण बात नहीं। अभी ज्ञान मार्ग के लिए आपको सारे इंद्रियों को, अंतर इंद्रिय बाहर इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा, और दमन करना इतने बात आसानी बात नहीं, तभी ज्ञान मार्ग में कोई अधिकारी बन सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग के लिए कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए भागवत में बताए, जनास्थाय नर राजन न प्रमादेत कहरिचित, धावन निमिलनवा नेत्रे न स्खलेत न पतेत। ये भागवत में बताए जो भक्ति मार्ग को सबसे सरल मार्ग है, सबसे, कृष्ण कहते हैं अर्जुन भक्ति भी ही रिजु मार्ग, भक्ति मार्ग बहुत सरल मार्ग है। इसलिए भक्त लोग उदाहरण देते हैं, हम लोग रोज पार्टी करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं रोज पार्टी है, हम लोग अगर पार्टी की कोई बात आए ना खुश हो जाते, भैया अमुक दिन बड़ी सुंदर पार्टी है, कहते भैया तुम बीच बीच में क्यों पार्टी करते हो, रोज पार्टी बनाओ ना, रोज पार्टी बनाओ। बोले पार्टी में क्या होता है, बोले तीन काम होता है, सिंगिंग डांसिंग और ईटिंग, ये तीन काम होता है, सिंगिंग गाओ खाओ और नाचो। बोले एक एक दिन बीच बीच में क्या क्यों, सिंगिंग ईटिंग डांसिंग रोज करो ना, देखो यहाँ पर रोज पूरा कार्तिक महीना हो रहा है ना, रोज रोज नाच रहे हैं, देखो नाट मंदिर को जैसे तोड़ देंगे पूरा, इतने नाचते हैं जैसे नाट मंदिर को तोड़ देंगे, रोज रोज कीर्तन हो रहे हैं, आनंद आ रहे कि नहीं, गाओ ना है, उल्टा पुलटा डिस्को डांस नहीं करके गाओ तो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गाओ तो हरि कीर्तन ही गाओ, खूब गाना है ना, खाओ भगवान का कीर्तन ही गाओ, चैंट 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 द होली नेम, लाइफ 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 विल बी सेफ, सर्व 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 योर गुरुदेव, माया 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 विल बी अवे। रुस्की में बोलते हैं ग्रोम को पाई हरि नाम। इसलिए गाओ तो भगवान का नाम गाओ, और खाओ तो रोज पिज्जा पास्ता बनाओ,
रोज कढ़ी चावल, राजमा चावल, मटर पनीर, शाही पनीर, रसमलाई, लड्डू, चमचम, रोज अभी उत्सव हो रहे ना, रोज रोज उत्सव हो रहा है, इसलिए खाओ तो भगवान के लिए प्रसाद बनाओ और भगवान का प्रसाद रोज। इसलिए जो भक्ति है ना, भक्ति कहते ये सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग है, और जो ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें कुछ ज्ञान के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए तभी ज्ञान में अधिकार है। भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयन की भजन की वा जागरण अहर निश्चिंत कृष्ण बोला वदन, सोते उठते बैठते खाते हैं, कोई पापी से पापी, जगाई माधाई जैसे पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, सबके सब भगवान की बोले श्री कृष्ण भजन सबे अधिकारी जाति कुलर गर्व ना। कृष्ण भक्ति के लिए सभी अधिकारी, कृष्ण भक्ति के लिए कि अन्य अधिकारी है या अधिकारी है, इसने सबके सब अधिकारी है। इसलिए आज हम एक श्लोक सुनेंगे भागवत से, कि जो भक्ति मार्ग है, भगवान की जो प्रेम मार्ग है, जिसमें कभी जीव का पतन नहीं होता है, ये भक्ति में किसका पतन नहीं कभी होता है। इसलिए बताए जाना स्थाय नर राजन न प्रमादेत, मतलब अगर कोई भक्ति मार्ग को अवलंबन करे तो जीवन में कभी उसको प्रमाद, प्रमाद मतलब दुख कष्ट, कोई विपत्ति जीवन में नहीं आता है, है? भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्ति मार्ग ऐसे के मार्ग है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं ना, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई है। इसलिए जगत में बहुत तरह का बंधन है, कर्म का बंधन, ज्ञान का बंधन, योग का बंधन, लेकिन यहाँ पर सूरदास कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे श्रेष्ठ बंधन किया है, कहते प्रेम का बंधन है। भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत हुए और किसी को द्वारा भगवान इतने वशीभूत नहीं हुए हैं, कोई भी इतने वशीभूत भगवान किससे नहीं हुए। इसलिए आप कभी नहीं सुनेंगे ज्ञानी का भगवान है, योगी का भगवान है, कर्मी का भगवान, किसका भगवान है, भगवान किसके हैं, जोर से बोला, भक्त का भगवान है और किसी का भगवान नहीं। इसलिए कहते हैं हे महाराज, जिस मार्ग को अवलंबन करने पर जिसमें कभी पतन नहीं होता है, इसमें कभी पतन, ज्ञानी योगियों का पतन हुई है लेकिन इसमें किसका पतन नहीं होता है, ये मार्ग कैसे, बोले धावन निमिलेलवा नेत्रे न स्खलित न पते दिया, मतलब है ये भक्ति मार्ग में अगर आंख बंद करके भी दौड़ोगे, कहते अगर आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना, जिसमें तुम्हारा पैर कभी स्लिप भी नहीं करेगा और तो कभी तुम गिरोगे, भक्ति मार्ग कभी पैर स्लिप करेगा नहीं, कभी गिरोगे भी नहीं, अगर आंख बंद करके भी दौड़ोगे, क्योंकि जो रास्ता छोटा रास्ता हो ना, कहीं ठोकर खाने का संभावना हो सकता है, लेकिन जो मार्ग प्रशस्त हो, चौड़ा मार्ग हो, खुली मार्ग हो, उसमें कोई कोई चांस है ठोकर खाने का, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है, बस आंख बंद करके दौड़ो भी तुम्हारे कुछ हो, कभी तुम्हारा गिरने का कभी चांस है ही नहीं तुम्हारी कभी है। इसलिए न स्खलित न पते दिया, मतलब है आप गिरोगे कब, जब पैर फिसलेगा, जब प्यार फिसलेगा तभी गिरने का कोई चांस है। कहते भक्ति मार्ग में प्यार फिसलने का कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं प्यार फिसलने का है। भक्ति मार्ग ऐसे एक मार्ग है, देखो जितने भक्तों का जीवन, देखो प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई और जितने हमारे जितने गुरुवर्ग हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये जितने जितने भक्त लोग हुए, कोई गिरे हैं भक्ति मार्ग में, कोई गिरे नहीं, सबके सब सक्सेसफुल हुए, कोई गिरे नहीं। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अगर दौड़ोगे, अगर भक्ति मार्ग में अगर दौड़ोगे तो प्यार कभी फिसलेगा नहीं, कभी भी फिसलेगा नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है, फिसलेगा नहीं मतलब क्या है, गिरेगा नहीं मतलब क्या है, बोले मतलब है जैसे महाप्रभु ने बताया, देखो 100,000 हरिनाम सबको करना पड़ेगा। महाप्रभु को जब निमंत्रण दिए, बोले हमारा घर में प्रसाद, महाप्रभु क्या बताए, बोले देखो अगर मैं तब भी उनके घर में खाऊंगा जो 100,000 हरिनाम करेगा, जो 100,000 हरिनाम नहीं करेगा उसको घर में खाना ही नहीं खाएंगे, हैं?
इसलिए जो लखपति बनेगा उसको घर में मखाना खाएंगे। अभी कोई व्यक्ति 1 लाख हरि, महाप्रभु तो बोल दिया जो 1 लाख हरिनाम नहीं करेगा उसको हाथ का खाना ही नहीं खाएंगे। अगर हमने 1 लाख नहीं कर पा रहे, 50,000 कर रहे नहीं तो 25,000 कर रहे, क्या उनका हाथ में महाप्रभु नहीं खाएंगे? क्या वो भक्त नहीं है? क्या भक्त नहीं है? वो भी भक्त है, वो भी भक्त है। इसलिए जो 2 भी माला करता है वो भी भक्त, जो 4 माला करता है वो भी भक्त, जो 8 माला करता है वो भी भक्त, जो 16 माला करता है वो भी भक्त, जो 32 माला करते हैं, जो 64 माला वो भी, जो 3 लाख हरिनाम करते वो भी भक्त है, सबके सब भक्त है। इसलिए हमको पता है महाप्रभु कहते 1 लाख नाम करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें कोई हानि नहीं, तुम्हारी कोई हानि नहीं है, तुम्हारी उसमें कोई हानि नहीं। नियम है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए, आरती से पहले उठ करके तिलक लगा करके आरती करनी चाहिए, लेकिन कोई कोई भक्त नहीं उठ पाते होंगे 6 बजे, हमें यहाँ पर तो 4:30 बजे आरती होता है। अगर कोई 6 बजे आरती कर रहा है, कोई 7 बजे आरती कर रहे हैं, कोई बाकी बिहार में 9 बजे आरती करते हैं, किसी के मन क्या उनका भक्ति भक्ति नहीं कहते? उनका भक्ति भी भक्ति है, उनकी भक्ति भी भक्ति है। इसका मतलब है तुम्हें पता है इतने भक्ति करनी चाहिए। जैसे गोस्वामी लोग क्या कहते, संख्या पूर्वक नाम दान प्रति भी काला बसाद निद्रा आहार विहार का चत्यंत जीन चो। गोस्वामी लोग कैसे भक्ति करते थे? संख्या पूर्वक हरिनाम करते थे, नाम गान हाँ कीर्तन जय वंदना एक एक हजार हजार बार गोस्वामी लोग जब साधन करते थे, 1,000 बार दंडवती प्रणति, जैसे हम लोग जय ध्वनि देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरा गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय, वो लोग क्या करते थे? वो पूरा एक बार साष्टांग प्रणाम करते थे, पूरा बस पर खड़े हो जाते थे। नितलीला ब्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। तब उन्होंने क्या करते थे? पूरा के पूरा है, कहते पूरा के पूरा साष्टांग दंडवत। क्या पीछे कोई है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? हरे कृष्णा। और तुम्हारा तो स्पीकर था ना, दो था ना, सुंदर गोपाल प्रभु ताक पाखर ना सीए नहीं जाए सीटा हम 5 मिनट पर सेठी का आपसी हाँ हाँ ठीक है 5 मिनट पर मैं आपसी हरे कृष्णा। इसलिए कहते भक्ति मार्ग में कभी पतन नहीं है, कभी पतन नहीं। हम जानते हैं इतने भजन करने चाहिए, अगर उतना नहीं कर पाते हो तो उसमें कोई प्रतिभा उसमें कोई दोष नहीं तुम्हारा कोई, इसमें हम जितने भक्ति करते हैं उतना फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा, तुमको उतना भक्ति जितना करोगे उतना ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करोगे तो कम तुम्हें मिलेगा, ऐसे नहीं कुछ मिलेगा नहीं है। भक्ति मार्ग इतने देखो कार्तिक महीना, देखो भक्ति कैसे है, कार्तिक महीना में कोई भक्त भगवान के दरबार में दिया जलाने के लिए दिया था, अभी दिया जल रही थी, इतने में वो दिया धीरे 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 बुझते जा रही थी, एक चूहा ने तेल खाने का लोभ से आ गया। वो चूहा जब तेल पी रहा था उसको दांत में जो बत्ती थी ना जल रही थी वो बत्ती दांत में लग गया, लगते ही आग जल रही थी उसका मुंह में थोड़ी आग लग गई, वो चूहा पीछे हटा, पीछे हटते ही जो दिया बुझने जा रही थी दिया हो गया तेज और उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, उसने 3-4 बार छलांग लगा दी, वो छलांग लगा दी। देखो भक्ति कितने महान है, भगवान ने देखा, देखो कार्तिक महीना थी वो दिया बुझने जा रही थी, चूहा ने क्या किया वो दिया को तेज कर दिया, दिया हो गया तेज, 2-3 बार उसने छलांग लगा दिया, मानो उसने मेरे को दिया जलाते हुए कार्तिक महीना में दिया जलाते हुए मानो मेरे सामने नृत्य किया। अगले जीवन में वो जो चूहा इतने काम किया तो अगले जीवन में वो राजकुमारी होकर जन्म, वो चूहा ने राजकुमारी होकर जन्म हुई और उन्होंने भगवान की भक्ति की, उसके हृदय में भक्ति की भावना रही। अब भक्ति करते करते भगवान अपना गोलक वृंदावन में
उसको अपना सखी स्थान दे दिया। अगर एक चूहा ने, एक चूहा तेल खाने का लोभ से आकर अगर थोड़ी सी दो चार बार मुंह में आग लगाने पर छलांग लगा दिए, अगर उसको ठाकुर जी अगर गोलोक वृंदावन में सखी बना दे, जो व्यक्ति ये कार्तिक महीना में पूरा एक महीना यहाँ रह रहे हैं, पूरा एक महीना यहाँ रह रहे हैं, एक महीना में रोज आरती दर्शन करते, कथा सुनते, कीर्तन सुनते, अब बताओ ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए जो भक्ति है, ऐसे एक चीज भक्ति, उसमें किसका पतन नहीं करती। भक्ति में किसी के लिए ज्ञान कर्म योग में पतन है, हैं? लेकिन भक्ति में किसका कभी पतन नहीं होगा। जितने करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। जैसे माता जी आए परिक्रमा गोवर्धन में, आए पूरा परिक्रमा में नहीं आए। क्या नाम तुम्हारी माता जी? तुम्हारी नाम मधुस्मिता। और तुम्हारी नाम? और कुछ कुछ बंगाल से आए। तुम्हारे नाम अनुराधा? हाँ रेणु। जैसे आई कार्तिक में कुछ दिन के लिए निकाल करके आई, लेकिन वो जितना करेगा उतना ही फल मिलेगा। उसमें कोई एक महीना आने पर और ज्यादा फल मिलता, लेकिन आए कुछ दिन के लिए जितने उतना जितना करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए भक्ति में कभी किसकी पतन नहीं है। भगवान बड़े दयालु, ठाकुर कभी बड़े दयालु कहते, गुना अवगुना प्रभु देखो ना काम। ठाकुर जी की कभी अवगुण का प्रति ठाकुर की नजर नहीं जाता है, उसकी अच्छी चीज का प्रति नजर जाता है। क्यों? बच्चे है ना, अब देखना छोटा बच्चा, उसको बोली बोलना नहीं आता है, लेकिन तोतली तोतली बोली से पापा पापा मामा मामा जो बोलता है, बच्चे लोग खुश होते कि नहीं? पिता माता खुश होते कि नहीं? अरे बच्चा कैसे पापा पापा मामा मामा तोतली बोली में पिता माता खुश उसमें हो जाते हैं। इसलिए कहते हे राजन, ये भक्ति मार्ग को जो आश्रय ग्रहण करेगा उसको कभी पतन कभी नहीं होगा। न स्खलित न पतेत, कभी उसका प्यार कभी स्लीप करेगा नहीं, और कभी भक्ति में गिरेगा नहीं। भक्ति में कभी गिरेगा नहीं। अगर कभी गिरेगा ना, ठाकुर जी उसको पकड़ लेंगे। अगर कभी गिरेगा तो ठाकुर उसको पकड़ लेंगे। अब कभी छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, गुरुदेव की स्टोरी सुना देते हैं। एक समय दो भाई थे, एक समय दो बहन थी, लेकिन वो दोनों बहन ही वेश्या है, उनका काम ही वेश्यागिरी था। लेकिन एक कोई एक ब्रह्मचारी था, श्री संप्रदाय में एक कोई एक ब्रह्मचारी था। वो ब्रह्मचारी एक अनिष्ठ ब्रह्मचारी था। वो उसका रोज नारायण के लिए बड़े सुंदर बगीचा थी, रोज उसका काम था बगीचा में काम करना और सुंदर सुंदर फूल और तुलसी को ला करके नारायण की सेवा मिला, इनका रोज काम था। वो ब्रह्मचारी एक अनिष्ठ ब्रह्मचारी हाथों में सेवा करता था और मुंह में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात एकदम आविष्ट होकर भजन करता था। एक दिन क्या हुआ, वो सुंदर नारायणी के बगीचा में सेवा कर रहा है, वो ब्रह्मचारी जो दो बहन वेश्या थी ना, वो उधर से होते हुए जा रहे थे। उसमें दो बहनी में जो छोटी बहनी थी वो सबसे सुंदरी, बड़ी बहनी से भी सुंदरी थी। दोनों ही वेश्या जब जा रही थी, जो बड़ी बहनी थी छोटी बहनी के कह रही, बोले देखो कितने अच्छे साधु, इधर उधर का कोई ध्यान नहीं, ठाकुर को सेवा में ध्यान है, कितने सुंदर तुलसी चयन कर रहा है, सुंदर फूल चयन कर रहा है, इनका जीवन कितना पवित्र, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं, और कैसे भगवान के प्रति आविष्ट है। लेकिन जो छोटी बहनी जो सबसे सुंदर थी, बोला हमने ऐसे कितना ब्रह्मचारी को देख लिया, वो तब तक वो ब्रह्मचारी जब तक मेरे तरफ में नहीं देखती है, अगर मेरे तरफ में देख लेना सारे ब्रह्मचारी तो खत्म हो जाएगी। वो बड़ी बहनी कहती, तू ऐसे नहीं बोल सकती हो, तुम पता नहीं ये संत लोग कितने महान होते हैं, इनकी भक्ति कितना दृढ़ है तेरे को पता नहीं। छोटी बहनी का हम सब जानते हैं, कितने ऐसे साधु को देखा है। इतने में बड़ी बहनी कहती नहीं ऐसे नहीं, छोटी बहनी कहती देखो, बड़ी बहनी कहती है तुम इसको गिरा नहीं सकती, बोले जब गिरा दू तो, बोले अगर गिरा नहीं सकती तो दोनों में ना लग गया लग जाए। छोटी बहनी कहती तुम देखोगे कैसे हम गिराती हूँ, बोले दिखा कर दिखा दो। उसने किया कि जो छोटी बहन वेश्या थी, बोले देख, हाँ तो लाइट चली गई। इसलिए
उसने जो हाथ देख तुमको दिखा देती कुछ दिन में, उसने जानबूझ कर किया कि और रिमझिम बारिश हो रही थी और उसने एक एकदम पतला कपड़ा पहन कर के आ गई, और बारिश अगर पतले कपड़े पड़े ना पूरा शरीर बाहर से भीतर दिखता है। उसने उसी अवस्था में आकर के वो जहाँ पुष्प चयन कर रहा था वो बाबा हरिनाम करते हुए, वो जान बुझ करके नाटक रचाते वहीं पर आकर धड़ांग करके गिर पड़ी। उसने धड़ांग करके गिर पड़ी, गिर करके बड़ी जोर से रोने लग गई, बचाओ बचाओ मैं मर रही हूँ, लेकिन नाटक कर रही थी, बचाओ बचाओ मर रही हूँ। इतने में वो साधु भजन कर रहा था, देखा किसी स्त्री की गला की आवाज है, बोले कोई स्त्री रो रही है, रोने तो मैं अपना सेवा करता हूँ, फूल तोड़ता रहा। लेकिन वो इतने जोर जोर से पास में इतने जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ मर रही हूँ भाई बचाओ। फिर संतों का हृदय से बड़ा कोमल होता है, संतों का हृदय संत हृदय नवनीत संत हृदय बड़े कोमल होता है। अभी वो संतों को रहा ही नहीं गया, रहा ही नहीं गया। बोले कौन है? दिखा है तो माता जी छटपट छटपट कर रही थी, हाँ हाथ प्यार फेंक कर उसकी दया आई, आकर के उसने 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 कंडा को जलाया और उसको शरीर को ने सेक लगवाया है, जो सेक लगवाया अब एक बार उसको देख लिया, देख करके जैसे उसका हृदय में वो फटो खिंच गया। तो वो साधु जब जाकर के भजन करता है ना, उसकी बारंबार उसकी याद आती है, बारंबार उसकी याद आए। उसकी बारंबार याद आए। इतने में क्या हुआ, वो जो बेस्या जान बुझ करके उसी रास्ता से जाती है, जा करके बोलते बाबा बाबा राधे राधे राम राम। वो जान बुझ करके पास में जाती है और ऐसे ऐसे बोलती रहती है। देखो वहां पर सिर के ऊपर पास में ना एक एक छोटा एक ये डबल डिब्बा रखा हुआ, तिलक की बैग है यहां पे, उधर एक छोटा डिब्बा रखा हुआ छोटा लग रहा है, हां नहीं ये नहीं और एक छोटा पतला सा, हां वही वाला। हाँ हरे कृष्णा। अभी ऐसे करते 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 उसने धीरे 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 इसको फंसा दिए, और कुछ चीज को दे दा करके उसको फंसा दिए। तो पहले वो जो भजन कर रहा था साधु, अभी उसका जो मन है ना, उसका जो मन है साधन तो कर रहा है, लेकिन उसका जो मन है ना और भजन में नहीं, उसका मन सब कुछ उसने हरण करके ले गई। अभी ऊपर से सेवा तो करता है लेकिन मन उसको और भजन में, जैसे ठाकुर जी के भजन में संपूर्ण उसमें डूब जाता था, अभी उसमें भजन में मन नहीं, दिन भर उसकी चक्कर में एकदम फंस गया। ठाकुर जी ने देखा, हाय रे क्या हो गया, मेरे सेवक कहाँ चला गया, मेरे सेवक 24 घंटा मेरी चिंता मेरी सेवा पूजा में मेरी तुलसी पूजा में करता था, अभी मेरा पूजा नहीं। अभी वो सोचता है मंदिर का कोई बढ़िया चीज बनता है ना, उसको छुपा छुपा कर उसको पास में पहुंचा देता है, उसको पास में छुपा छुपा कर पहुंच देता है। भगवान तो सोचने लगे, हाय रे मेरे भक्त का क्या हो गया है, 24 घंटा पहले कितने भक्ति से भजन करता था, अभी मेरी भजन नहीं वो बिस्या के भजन में लग गई, कोई चीज हो तो छुपा करके तैयार। एक दिन ठाकुर जी दयाल है ना, ठाकुर जी बड़े कृपालु मेरे सेवक है, ठाकुर का भी प्रेम है ना, ठाकुर का सेवा किया। एक दिन ठाकुर ने जान बुझ कर क्या किया, ठाकुर का जो सोने का प्लेट था ना, ठाकुर जी उसको चुरा करके वो बेस्या को घर में रख दी, नारायण ही रख दिया उसको घर में। सबरे हल्ला हो गया, ठाकुर जी का जो सोने की प्लेट है वो सोने की प्लेट कहीं चोरी हो गई, ठाकुर का सोने की प्लेट कहीं चली गई, सीआईडी लग गए, सोने की प्लेट कहाँ गया। देखते देखते हुए प्लेट वो बेस्या के घर में प्लेट मिला, बोले भैया ये बेस्या के घर में ठाकुर का सोने की प्लेट कैसे आया, सीआईडी लग गया। देखा वो जो पुजारी है वो छुप छुप करके ठाकुर का जो प्रसाद इधर उधर चीज को वहीं पास करता है,
वही देता है। सी आई डी पकड़ लिया, अरे ये पुजारी ने चोरी किया सोने की प्लेट, और वो सोने की प्लेट कहाँ रख दिया, वेश्या के घर में रख दिया। बस इतने में पुजारी को पकड़े वहां पर राजा ने, और जेल में उसको बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, अभी पुजारी जेल में बैठा हुआ, अरे वो अभी जेल में वो बैठा हुआ, अभी जेल में बैठी करके सोच रहा है, भैया मैंने तो इसको चोरी किया ही नहीं, पता नहीं ये चोरी किसने किया, और चोरी किसने किया, और मैं जेल में बैठा हुआ हूँ। बल ये स्थिति हुई क्यों, बल इसलिए हुई चूंकि मैंने वो भैंसा का प्रति मैंने अपना संबंध बना लिया, लेकिन मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो चोरी नहीं की, अभी तो जेल में बैठी बैठी करके अभी रो रहा है, ठाकुर को माफी मांग रहा है, ठाकुर जी कहां तेरे सेवा भजन में कहां डूबा हुआ था, इसकी बल्ले में पढ़ करके मेरे कितने सर्वनाश हो गया, मैंने चोरी नहीं किया, अभी मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, ठाकुर जी मैं कभी और ये गलत काम नहीं करूंगा, मेरे को माफ कर दो, मेरे अपराध को माफ कर दो। जेल में बैठी बैठ कर खूब रोए, जब रोए इतने में ठाकुर जी फिर राजा को स्वप्न देते हैं, बोले महाराज जी वो जो सोने की प्लेट है ना, उसने नहीं चुराया, मैंने चुरा करके उसको घर में रख दिया था, है क्योंकि वो वैश्या का प्रति वो आसक्त हो गई था, हमारे भजन छोड़ करके उसको छुटाने के लिए मैंने काम किया, उसकी काम नहीं, वो मेरा पक्के सेवक है, जाओ उसको जेल से मुक्ति करा दो। राजा ने ठाकुर नारायण जो स्वप्न दिया, बोले बाप अरे भगवान स्वप्न दिया, ठाकुर जी चोरी किए, फिर उन्होंने संत को खोल दिए, फिर उन्होंने भजन में लगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर कभी बाई चांस जो भक्ति करता है भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, अगर बाई चांस अगर ये कभी कहीं फंस जाता है भक्त, भगवान क्या करते हैं, अपना भक्त है ना, भगवान उसको स्वयं उसको उद्धार कर देते हैं, ठाकुर जी उसको मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भक्ति मार्ग ऐसे एक मार्ग है, अगर कहीं भक्त कहीं फंस भी जाता है भगवान उसको नहीं छोड़ते, ठाकुर उसको नहीं छोड़ते, उसको पकड़ कर फिर अपना सेवा में फिर उसको लगा लेते हैं। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है ये अत्यंत सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग है भगवान किसी तरह से। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्ता प्रचन, भगवान कह रहे हैं भगवान चार चीज का नाम दिया है, पत्ता फल फूल और पानी, भगवान चार चीज का नाम लिया है अर्जुन, अगर भक्ति पूर्वक ये चार चीजों में कोई एक चीज भी अगर मेरे को दे दे मैं इसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन जो चार चीज का नाम लिया ना बिना पैसा, पानी के लिए कोई पैसा की जरूरत है, रास्ता में जा रहे हो कोई फूल कहीं पेड़ में एक फूल था फूल उठा करके दे दो, पत्ते के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, और फल के लिए अभी तो फल खरीद करना पड़ता है, पहले फल अपने आप जंगल में होता था। भगवान ये चार चीज का नाम लिया, बोले अर्जुन जो बिना पैसा में ये जो चार चीज मिलता है कोई भी एक चीज मेरे को केवल भक्ति पूर्वक प्रदान कर दे इसी से मैं खुश हो जाता हूँ। बोले किसने किसने किया, बोले फल किसने दिया, बोले सबरी सबरी कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सेवाई, बोले झूठे बेर सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए झूठे बेर खा करके बोले सबरी वैकुंठ में मेरी लक्ष्मी आ कितने मेरी सेवा करती है, आज तुम्हारे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना और किसी स्वाद बहुविध स्वाद बताए, बोले इतने स्वाद चीज मेरे किसने खिलाए नहीं है, लेकिन कहते पत्ते में बोले विदुर है। इसलिए भगवान क्या किया, दुर्योधन के पास में आए, दुर्योधन कितने छापा अनुभव को 36 व्यंजन किया भगवान देखे भी नहीं है, बोले भगवान क्या किए, बोले भगवान विदुर जी के घर में गए साग भाजी विदुर के खाए है। इसलिए बोले छापन भोग को त्याग करके उन्होंने विदुर जी के घर में साग भाजी को खाए, खा करके भगवान उससे संतुष्ट हो गए। पत्रम पुष्पम बोले फूल किसने दिया, बोले हाथी, जब मगरमच्छ उसको पकड़ा धीरे 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 खेसते खेसते ले जा रहा है, अभी नाक जब डूबने लगा बोला बचना और कठिन है, बस एक फूल को उठाया ठाकुर को दे दिया। भगवान कहते हैं जीवन में दो बार मेरे को जल्दी मची, एक द्रौपदी का वस्त्र हरण में और एक गजराज उद्धार, केवल ना रा
ये दो अक्षर उच्चारण किया भगवान चक्र पेश कर उसको मगरमच्छ को मार दिया है। इसलिए कहते पानी किसने दिया फिर अद्वैत आचार्य ने गंगा पानी और तुलसी दल दे करके भगवान को आह्वान किया तो भगवान वैकुंठ छोड़ करके आ गए। भगवान वैकुंठ छोड़ करके महाप्रभु रूप में आए। इसलिए कहते हैं ये जो भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग है, अगर सच दिल से एक चीज होनी चाहिए हमारे हृदय सच होनी, निष्कपट हृदय होनी चाहिए। अगर निष्कपट हृदय से कोई भी वस्तु अगर भगवान को दे दो भगवान उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं और उसी से ही हमें प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए सबसे बड़ा क्या है भगवान की प्रेम ही जगत में सबसे बड़ा। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में किसका पतन कभी नहीं होता है, भक्ति मार्ग में किसकी पतन नहीं। किसी तरह से दौड़ करके जाओ नहीं तो आंख बंद करके जाओ, आंख बंद करके जाओ नहीं तो दौड़ते हुए जाओ। दौड़ते हुए मतलब क्या है, दौड़ते समय आप देखना प्यार जहां तक गिरना है, दौड़ते समय मतलब होता है प्यार जहां तक गिरेगा, मतलब गिरना जहां तक गिरना मतलब क्या, जो भक्ति करनी चाहिए अगर भक्ति नहीं किया है, 64 माला नहीं किया, 25 माला किया, 16 माला किया, 8 माला भी किया, लेकिन उसमें भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जान करके भी अगर अनजान बन करके अगर करते हो, जानते हो ये करनी चाहिए लेकिन तुमने नहीं कर पाए, क्या उसमें कोई हानि होगी? बोले कोई हानि नहीं होगी, उसमें कोई हानि नहीं होगी। जितना करोगे उतना इनको मिलेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, कम करोगे तो कम फल, लेकिन उसमें कभी हानि नहीं होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई पतन किसकी नहीं। बोले भक्ति महारानी की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल चिंतन गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल चिंतन गौर हरि बोल। गौर हरि की जय। ब्रज मंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जाओ अभी मैं वहां जा रहा I don't know. She's there. This Russian devotee coming. One day, I want to discuss something. Okay.